तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीबीएससी गाला 10 2023-24 की मैथमेटिक्स बेसिक सेक्शन ए करेंगे, पेपर नंबर 3 का। और यहाँ पे हम कुछ क्विक ट्रिक यूज करेंगे जिससे हम एमसीक्यू को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि इफ़ एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3। ठीक है, हमें दे रखा है यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 3। पूछा है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू k की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x यहाँ पे, ठीक है, और y की रखेंगे y के जहाँ पे, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड, 10 माइनस 9 इक्वल टू k इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड, 1। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड, बी ऑप्शन होगा। अगला बोला हुआ है कि इफ द जीरोस ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस 13x प्लस m इक्वल टू 0 आर रियल एंड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। उसके जीरोस रेसिप्रोकल है। तो फ्रेंड जब भी रेसिप्रोकल बोलेगा तो आपको ध्यान देना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, सी अपॉन ए। तो हमारे पास क्या है फ्रेंड, सी को उसने एम कंसिडर किया हुआ है और एक 6 दिया हुआ है। इस तरह से फ्रेंड हमें एम क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास बी का ऑप्शन क्या आ गया, 6। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे अगले क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 2x और 26 तीनों किस में, हमारे पास AP सीरीज में। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई चीज़ AP सीरीज में होती है फ्रेंड, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, बीच वाले का डबल। बीच वाले का डबल क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट के प्लस के बराबर होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक हमारा ये 28 2x मल्टीप्लाई टू इधर आएगा तो डिवाइड टू। मतलब एक्स कितना मिलेगा फ्रेंड अपने को, 14। एक्स कितना मिल गया अपने फ्रेंड, 14 मिल गया। फिर बोला कि डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से। ठीक है, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। ओरिजिन से काउंट करने बोला है फ्रेंड, तो x1 और y1 हमारा क्या हो गया, 0। तो x2 हमें दिया हुआ है 6 और y2 हमें दिया हुआ है 8। ठीक है, माइनस इसका भी प्लस 6 ही आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड, कितना मिलेगा अपने को, 6 का 36 प्लस 64 कितना हो गया, रूट में 100। 100 किसकी वैल्यू होती है फ्रेंड, 10 की। तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, प्लस वाला 10। ठीक है फ्रेंड, प्लस वाला 10। वैसे हमारे पास जो अगला दिया है फ्रेंड, कॉसेक और साइन। तो फ्रेंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉसेक और साइन को हमें सॉल्व करना है। तो कॉसेक हमारे पास कितना होगा, कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा करेंगे तो फ्रेंड क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/cosec। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या मिला अपने को, डी। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में लिखा हुआ है कि x प्लस m इक्वल टू 32 और z माइनस m इक्वल टू 2। ठीक है, हमसे पूछा है कि x बार निकालो। क्या पूछा है फ्रेंड हमसे, x बार पूछा है। तो हम क्या करते हैं, पहले चैप्टर नंबर 3 यूज करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐड करने पे हमारे पास क्या होगा कि m कट जाएगा, हमारा m कट गया और ये हो गया 2z इक्वल टू 34। जेड इक्वल टू कितना मिला अपने फ्रेंड, 17 मिला। वही हम जेड की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो हमें m कितना मिलेगा फ्रेंड, 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये जेड और m मिल चुका है। देन हमारा फार्मूला होता है जेड इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है फ्रेंड, जेड 17, m हमें दिया हुआ है 15 और x बार निकालने बोला है। ठीक है, माइनस में इधर आया तो प्लस में, और ये मल्टीप्लाई 345 आया, प्लस 17 आएगा तो माइनस 17। ठीक है फ्रेंड, इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करने मिलेगा फ्रेंड हमको 28। ठीक है, 2x बार इक्वल टू 28, देन हमारा फ्रेंड x बार कितना हो जाएगा, 14। ठीक है फ्रेंड, तो इससे हमारा सी आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी आएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम लोग अपने वीडियो। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एलसीएम निकालो 15 m की पावर 2n और 25 m n स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, एलसीएम में अगर हम नंबर को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, आपको ये एलसीएम निकालना ट्रिक पता ही होगा। इसमें अगर ये 5 से काटा 3 आया, फिर ये 5, फिर 5 से काटा ये 3 1, फिर 3 से काटा 1 1, तो ये कितना हो गया, 5 5 25 25 3 75। इसमें क्या करना है फ्रेंड, आपको देखना है कि हाईएस्ट m कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, मतलब हाईएस्ट कितना मिला अपने को, 2। वैसे यहाँ पे 2 n है और यहाँ पे 1 n है, मतलब हाईएस्ट कितना मिला अपने को, 2। अपना आंसर क्या आएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी आएगा। देन अगला बोला कि द मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0 कितना होगा फ्रेंड, तो मैक्सिमम 0 डिपेंड करता है मैक्सिमम पावर पे, तो पावर कितनी है इसकी फ्रेंड, 2। तो इसका आंसर कितना आनेगा, 2। फिर अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 1000 लॉटरी टिकट थी, उसमें से 50 प्राइज रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे परख राम भाई ने एक टिकट चॉइस किया, तो उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रेंड। देखो हमारा प्राइज कितना मिलेगा, 50 लोगों को प्राइज मिलेगा और टोटल टिकट कितने हमारे पास, 1000। तो इसकी विनिंग के चांसेस कितने बन रहे हैं फ्रेंड, 1/20। कितने बन रहे हैं फ्रेंड, 1/20। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ मिल रहा है अपने को साइन ए इक्वल टू 8 बाय
8/17 दे रखा है, कॉस ए पूछा है, ठीक है अपने फ्रेंड। तो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास तरीका है ट्रेंगल का। ट्रेंगल में हमारे पास यहाँ पर अगर एंगल चॉइस करेंगे तो साइन का होता है हमारे पास एल्टीट्यूड अपॉन में हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमारे पास एल्टीट्यूड कितना हो गया, ये 8 हो गया, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 17 हो गया। हम पाइथागोरस का यूज करना आता है ये फ्रेंड। पाइथागोरस में क्या है हमारे पास कि 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बेस को हम x मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा फ्रेंड, 15। कितना मिल गया, 15। तो कॉस की वैल्यू होती है फ्रेंड बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब कि 15 अपॉन में 17, ठीक है फ्रेंड। इसका ये आंसर मिल गया। देन अगला देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, तो ऐसे इरेज कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है अपने को कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें एक बाहर पॉइंट P है, P से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया फ्रेंड, टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। अब ये टेंजेंट ने इसने A पे कट किया, ठीक है, और इसने क्या किया, B पे कट किया। सेंटर का नाम क्या दिया अपने फ्रेंड, O दिया हुआ है। हमने क्या किया, O से A को मैच किया, ने O से B को। बाद में इसने हमें बोला है कि हमें दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 80 दिया हुआ है। ये कितना दिया है फ्रेंड अपने को, 80 दिया है। हमसे पूछा है पी ओ ए कितना होगा, पी ओ ए। तो फ्रेंड हमें क्या होगा, बीच में एक लाइन खींचनी पड़ जाएगी। देखो फ्रेंड, इसमें होता क्या हमारे पास कि इसका और इसका प्लस होता है 180, ठीक है, कितना होता है 180। उसमें से अगर मान लो ये 80 है तो बचा कितना हमारे पास, 100 बचा। 100 में से ये हमें आधा ही पूछ रहा है, तो आधे की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड अपने पास, 50। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड, 50। ये क्वेश्चन का ध्यान देना अच्छे से। अगला बोला है 12 नंबर पे कि हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, इसके अंदर मॉड क्या होगा, मॉड 43 दिया है, ठीक है फ्रेंड। हमसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, और एक्स प्लस 3 निकालने बोला है। तो हमें वो फ्रेंड होता है क्या है, मॉड के अंदर जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है उसी को मॉड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 43 मॉड दे रखा है, मतलब कि इसका कहना ये है कि 43 मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। मैं कितना 43 है मेरे पास, 1, 2, 43 है, और मेरे पास 2, 48 भी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि 43 हमारा मॉड है, मतलब हो ना हो ये जो x है वो क्या है हमारे पास, 43। x हमारा कितना हो गया फ्रेंड, 43 मिल गया। अपने निकालने बोला है x प्लस 3, मतलब क्या करेंगे, 43 प्लस 3 कितना मिलेगा अपने को, 46। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड, 46। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में फ्रेंड हमें यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, ठीक है। हमसे बोला है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 25 है, ट्रू फॉल्स करने बोला अपने, ठीक है फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई निकालते हैं पहले। इसमें देखो फ्रेंड यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इनका मल्टीप्लाई कितना मिलेगा अपने को, 4, ठीक है। कितना मिलेगा अपने को, y की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड यहाँ पे 4 मिल जाएगी, ठीक है। फिर अपने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 4 × 5 कितना होगा हमारे पास, 20। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको फ्रेंड, 20 मिली, और x प्लस वाई करने पर 24 हो रहा है। तो हमारा 13 नंबर क्या हो गया, ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। अगला बोला है 14 नंबर। तो देखो यहाँ 14 बोला है, क्या इसके जीरोस पॉजिटिव साइन के होंगे। तो फ्रेंड हमारा तो एक तरीका ये है कि हम पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। एक सेकंड तरीका है, अगर शॉर्ट ट्रिक है तो अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड, सेकंड ट्रिक हमारे पास क्या है, ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 72। तो फ्रेंड आपको फोकस करना होगा यहाँ के साइन पे। अगर यहाँ का साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। डिपेंड करेगा यहाँ का साइन। यहाँ का अगर साइन मान लो कि माइनस है, यहाँ का क्या है, माइनस, तो दोनों आंसर किस में मिलेंगे, पॉजिटिव में, ध्यान दो, ठीक है। अगर ये प्लस तो दोनों का आंसर सेम। फिर से अगर ये प्लस है और यहाँ पे भी क्या दिया है फ्रेंड, प्लस है, तो दोनों का साइन किस में आएंगे, माइनस में, ठीक है। ये साइन शो करा है दोनों का सेम होगा, ठीक है। जस्ट इमेज करो कि यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस आ गया फ्रेंड, तो होगा क्या हमारे पास, दोनों में से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। डिपेंड क्या करेगा कि अगर मान लो ये भी माइनस का है, ये भी क्या है हमारे पास, माइनस का है, तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में। वही अगर हमारा ये माइनस दिया और ये किस में दिया फ्रेंड, प्लस में दिया हुआ है, तो होगा क्या, अगर ये प्लस दिया है तो बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में, ठीक है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड, ये प्लस और ये माइनस दिया, तो आंसर दोनों किस में आएंगे, पॉजिटिव में। तो यहाँ पॉजिटिव बोला हुआ ही है, तो ये हमारा क्या है फ्रेंड, ट्रू है। अगर आप ये ट्रिक समझ आए तो अच्छी बात आपके लिए। अगला देखो फ्रेंड, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि फोर कॉन्सिडेंट लाइन द इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, सो वी कैन से डेट द बोथ इक्वेशन आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट। ओके, दोनों एक लाइन पर नहीं होंगे ऐसा बोला, ठीक है। तो फ्रेंड क्वेश्चन मतलब क्या, लाइन पर लाइन आना होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक में क्या बोल रहा है, ये फॉल्स ही बोल रहा है। अगला बोला है कि पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू जीरो, नहीं फ्रेंड, इनका प्लस कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक है। अगला देखो 17 नंबर, देखो फ्रेंड हमारे पास 17 नंबर में बोला हुआ यहाँ पे कि राइट द सेकेंड टर्म ऑफ ए पी। ओके फ्रेंड, फार्मूला क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारा फार्मूला है। ए हमें दे रखा है 10, एन बोला है सेकेंड टर्म, और डी दिया हुआ है 10।
ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ हम सॉल्व कर ले, कितना मिलेगा अपने को 10 प्लस 10, दो में से एक गया तो 1 इंटू 10 कितना मिल रहा है अपने को फ्रेंड यहाँ पे 10 प्लस 10 मतलब 20, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास 17 वाले का आंसर क्या मिलेगा अपने को फ्रेंड, 17 वाले का आंसर मिल जाएगा 20, ठीक है। ये 17 का आंसर हो गया हमारे पास। आगे देखते हैं फ्रेंड, देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या एक सर्कल बोला हुआ है और बोला कि इसके डायमीटर से, ठीक है, इसके डायमीटर से कितने टेंजेंट्स पास होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो डायमीटर से दो ही टेंजेंट पास हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस 18 का आंसर क्या मिलेगा अपने को 2 मिलेगा। वही हम चलते हैं 19 क्वेश्चन में, बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग थर्सडे ऑन 2nd दिसंबर ऑफ लीप ईयर। हमने बोला है कि लीप ईयर में 2nd दिसंबर को थर्सडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड जब भी डेज की बात करेगा फ्रेंड ना, तो अपॉन में क्या आएगा 7 आने वाला है और उसमें डेज में थर्सडे एक ही बार होता है, क्या होता है 1/7। तो इसको हमारे 2nd दिसंबर को और लीप ईयर से हमारे कोई मतलब नहीं है। अगर ये थर्सडे की बात कर रहा है तो अपने वीक में एक ही होता है, ठीक है, अपॉन में 7, ठीक है फ्रेंड। तो ये ध्यान देना, प्रॉब्लम अलग टाइप क्वेश्चन पहली बार आया है। अगला हमारे पास क्या लिखा है कि द विकेट टेकन द बॉलर, इसमें 10 क्रिकेट मैच में उसने विकेट लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉड पूछा है, तो फ्रेंड हमारा मॉड क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम रिपीट क्या हुआ है फ्रेंड, हमारे को 2 यहाँ पे लिया हुआ है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम टाइम क्या हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे 2 आया हुआ है, ठीक है। 19 का आंसर मिल गया अपने को और ये 18 का मिल गया और 20 का आंसर कितना है फ्रेंड 2 है, ठीक है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में बोला कि LSA ऑफ सिलेंडर पेंसिल पील्ड फ्रॉम द 1/8, मतलब मैंने क्या किया, एक पेंसिल है हमारे पास फ्रेंड, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ हल्का। ओके फ्रेंड 21 में बोला कि हमारे पास एक पेंसिल थी जिसका हमें क्या किया, उसको नीचे से छील दिया, ठीक है। तो पेंसिल छीलने के बाद क्या होता है फ्रेंड, नीचे हमारा जो शेप होता है वो कुछ कौन शेप का बनता है, ठीक है, और ऊपर का शेप कैसा होता है फ्रेंड, सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एरिया क्या बनेगा, सिलेंडर शेप के लिए आएगा कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस कौन के लिए आता है πRL, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास 21 का आंसर जो है हमारे पास ये मैचिंग मिलेगा, ठीक है। अगला बोला 22 में हमारे पास एक कौन सा है पेंटिंग ब्रश है विद लीड, मतलब ढक्कन लगा हुआ पेंसिल, तो क्या होगा उसका शेप कैसा होगा फ्रेंड, ढक्कन लगाने के बाद ये पूरी तरह से सिलेंडर शेप दिखाएगा, उसका TSA क्या होता है फ्रेंड 2πR ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक है फ्रेंड। वही 23 नंबर देखते हैं, बोला है कि माइनर सेक्टर ऑफ अर्थ, माइनर सेक्टर डिफरेंट डेफिनेशन क्या होता है फ्रेंड। तो माइनर सेक्टर रियल में होता है क्या कि हमारे पास दो रेडियस के बीच में और एक अर्थ के बीच में जो एरिया आता है उसे क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसा किस में लिखा है हमारे पास, तो ऑप्शन ए में लिखा है, किस में लिखा है फ्रेंड ए में लिखा है। वही 24 की बात करें अर्क क्या होता है फ्रेंड, तो जो कर्व लाइन होती है उसे अर्क बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, होगा क्या फ्रेंड इसके अंदर हमारे पास द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, मतलब ऑप्शन बी वाला फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से आपका एक कंप्लीट होता है क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।